नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आलिया शर्मा। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप गाइस सारे बढ़िया होंगे। सो दोस्तों आज एक बार हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। आज हमारे सनी क्लिप्स 124 में आपके लिए 130 गज का 4 BHK का हाउस लेकर। दोस्तों हाउस तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बाकी आसपास अमेनिटीज बता दूं आपको। वॉकिंग डिस्टेंस में आपको 500 मीटर के डिस्टेंस में आपको 200 फीट रोड मिल जाएगा। गोपाल रेस्टोरेंट हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में। KFC बर्गर हो गया, VR मॉल हो गया, सारा कुछ मतलब नियर बाय आपको अमेनिटीज मिल जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा सारा कुछ नियर बाय है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अब मैं करवाती हूँ इस प्यारे से घर का आपको टूर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं आसपास पूरा जो एरिया है पूरा ही डेवलप्ड एरिया में आपको ये हाउस मिलने वाला है। दोस्तों एलिवेशन बहुत ही प्यारा किया और मैट लुक में आपको एलिवेशन मिलने वाला है। इसमें बहुत ही प्यारा लाइटिंग और बहुत ही प्यारी यहाँ पे फैंसी लाइट्स दी हुई है। सो दोस्तों घर के अंदर आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी, 2 व्हीलर की, 2 से 3 2 व्हीलर की पार्किंग आपको मिल जाएगी। छोटा सा हमने मिनी गार्डन भी यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है। आयरन का आपको दोस्तों यहाँ पे गेट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। आइए इजिली बड़ी गाड़ी की आपको यहाँ पे दोस्तों पार्किंग मिल जाएगी, बाहर भी एक गाड़ी की आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये 2 व्हीलर की पार्किंग है, देखिए। बाकी 2 टैप्स की यहाँ पे प्रोविजन दी हुई है। मैट लुक में आपकी पूरा टाइल वर्क आ जाएगा वॉल पे, मतलब बहुत ही प्यारी आउटलुक निकल के आ रही है। फैंसी लाइट्स आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रही है, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप तक आपको पूरी मैट वाली टाइल्स मिल रही है दोस्तों। बाकी छोटा सा मिनी गार्डन भी हम यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं दोस्तों। फैंसी लाइट्स यहाँ पे हमने लगा रखी है, फोकस लाइट आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आइए मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पे हमने स्टोरेज की भी स्पेस दे रखी है। लाइक आपने एज अ स्टोरेज यूज़ करनी है वो कर सकते हैं, या फिर आपने इन्वर्टर वगैरह रखना है आप वो रख सकते हैं। अंडर स्टोरेज वाटर टैंक दोस्तों आपको मिल रहा है, कंसील लाइट मिल रही है, वेलकम वॉल देखिए कितनी प्यारी की हुई है, देख सकते हैं। कैमरे की वायरिंग हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं और बाहर एक कैमरा भी आपको लगा के दे रहे हैं। ये वॉल भी बहुत प्यारी डिजाइनिंग के साथ आप देख सकते हैं विद LED लाइट्स। सो दोस्तों ये आपका मेस डोर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा, और ये आपका मेन डोर आ जाएगा स्मार्ट लॉक के साथ, ओजोन का रहेगा ये। आइए सो दोस्तों ये आ जाती है अपनी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। देखिए कितना स्पेशियस और कितना प्यारा इंटीरियर हो रखा है इसका, आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग वर्क कितना प्यारा हो रखा है, फॉल सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, LED लाइट्स लगा रखी है और बहुत ही प्यारा वुडन वर्क किया हुआ। झूमर भी देख सकते हैं आप कितना प्यारा दिख रहा है। वॉल पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया है, ग्लास वर्क कर दिया हमने इस पर और वॉल पेपर लगा दिया, POP का वर्क कर दिया इसमें, जिससे जो वॉल की ग्रेस है बहुत ही प्यारी निकल के आ रही है। सो दोस्तों ये आपका LED पैनल आ जाता है, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन रहेगा, मतलब बड़े साइज़ की भी आप LED यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा वॉल पे भी डिज़ाइन किया हुआ विद योर लाइटिंग वर्क और नीचे कैबिनेट्स की भी बहुत अच्छी स्पेस दे रखी है, देख सकते हैं आप। सो दोस्तों ये मेरी किचन आ जाएगी, आइए यू शेप की फुली मॉड्यूलर दोस्तों आपको किचन मिलेगी। कलर भी बहुत ही प्यारा है, ग्रे और वाइट कलर का इसमें कॉम्बिनेशन हो रखा है। देखिए सारी फिटिंग है जो सॉफ्ट क्लोजर मिले और ब्रांडेड फिटिंग्स दोस्तों आपको मिल रही है। और ये देखिए सारी साउंड प्रूफ आपको सिंक मिल रही है, यहाँ पे मूवेबल टैप्स आ जाएंगी दोस्तों। जैगुआर के दोस्तों यहाँ पे फिटिंग्स मिल रही है आपको। RO और चिमनी का हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और ये वेजिटेबल ट्रेज आ जाती है, लाइक आपने वेजिटेबल्स वगैरह रखनी आप वो रख सकते हैं। ऊपर भी स्पेस दे रखी है आपके क्रॉकरी पैनल के लिए, देखिए अंदर हम प्रोफाइल लाइट भी आपको लगा के दे रहे हैं। सो दोस्तों कैबिनेट्स भी बहुत अच्छी स्पेस के दे रखे हैं आप देख सकते हैं, बाकी नीचे भी बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है आपको और जो है सारी सॉफ्ट क्लोजर दोस्तों आपको मिल रही है, बहुत ही प्यारी किचन। सो दोस्तों ये थी किचन, अब मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट बेडरूम। आइए दोस्तों पूरे घर में ना आपको फॉल सीलिंग वर्क बहुत ही प्यारा मिलने वाला, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो दोस्तों ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। वॉल पे आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइनिंग वर्क की हुई है। साइड साइड पे हमने POP कर दी और अंदर वॉलपेपर लगा दी, जिससे वॉल की जो लुक है बहुत ही प्यारी निकल के आ रही है। फॉल सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट लगा दी है देखिए, और ऊपर LED पैनल्स आपको दोस्तों मिल रहा है। फुल हाइटेड आपको कपबोर्ड्स मिल रहे, देखिए जो स्लाइडर रहेंगे दोस्तों, नीचे आपको शू रैक मिल रहा है, दैट इज योर ड्रेसिंग स्पेस। मिरर लगा के हम दे रहे हैं, साइड साइड पे आपको मेकअप रखने के लिए कैबिनेट्स भी दे रखे हैं और यहाँ पे भी स्पेस बना रखी है और ऊपर भी स्पेस दे रखी है, मतलब फुल हाइटेड कपबोर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये आपका LED पैनल आ जाता है दोस्तों। इस रूम के साथ दोस्तों अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है, आइए। सेंसर मोड लाइटिंग रहेगी, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे लाइटिंग ऑन हो जाएगी, जैसे आप बाहर जाएंगे लाइटिंग ऑफ हो जाएगी दोस्तों। डोर की भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी डोर की क्वालिटी हमने लगा के दी हुई है यहाँ पे। आपको वैनिटी बॉक्स मिल रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे जयपुर की फिटिंग मिल रही है। टाइल का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा टाइल वर्क किया हुआ है। ऊपर LED लाइट्स दोस्तों आपको मिल रही है, वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही है। सो दोस्तों इस रूम के साथ अटैच आपको बैक साइड वॉशिंग एरिया मिल रहा है, आइए
इसमें डोर और मैच डोर दोनों ही हम लगा के दे रहे हैं, और टैप्स का भी आपको प्रोविजन दिया, लाइक वॉशिंग मशीन इजिली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी क्लॉथ्स वगैरह वॉश कर सकते हो। और ऊपर तक हमने वॉल लगा रखे और नीचे टाइल वर्क भी किया हो, इससे क्या होता है कभी भी जहाँ पे भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं वहाँ पे ना सीलन का इशू थोड़ा बहुत रहता है। सो दोस्तों हमने टाइल्स लगा दी, इससे जो आपका इशू है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, हमें दिखाते हो आपको सेकेंड बेडरूम। आइए गाइज ये आ जाएगा अपने सेकंड बेडरूम, इसका भी बहुत अच्छा एरिया आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे साइज में आपको सेकंड बेडरूम भी मिल रहा है। सेम ही जैसे आपने वो वाला बेडरूम देखा फुल हाइटेड, उसमें भी कबोर्ड्स आपको मिल रहे थे, यहाँ पे भी फुल हाइटेड कबोर्ड्स मिल रहे हैं ग्रे कलर के, जो स्लाइडर रहेंगे, साथ ही आपको ड्रेसिंग स्पेस एरिया मिल रहा है विद योर कैबिनेट्स। इस साइड आपको एलईडी पैनल मिल रहा है दोस्तों, एलईडी पैनल के बैक साइड भी हमने लाइटिंग वर्क लगा रखी है, जिससे इसकी लुक है बहुत ही प्यारी निकल के आ रही है दोस्तों। फॉल सीलिंग डिजाइन बहुत ही प्यारा मिल रहा है आपको विद योर प्रोफाइलिंग लाइटिंग, और यहाँ पे भी हमने कुछ ग्लास का वर्क कर दिया देखिए, जिससे वॉल की ग्रेस है जो बहुत अच्छी निकल के आ रही है दोस्तों। सो दोस्तों इस रूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, इसमें जो टाइल कॉम्बिनेशन है थोड़ा हमने अलग कर दिया, डिफरेंट रहेगा। वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही है, वैनिटी बॉक्स आपको मिल रहा है, जैगुआर की फिटिंग दोस्तों मिल रही है, बहुत ही प्यारा। और दोस्तों खास बात मैंने जो बतानी है आपको, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गई, इस घर के स्विचेस आपने मोस्टली स्विचेस जो देखे होंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे ऑफ हो जाएंगे, ऐसे करेंगे ऑन हो जाएंगे, मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ लगी मुझे ये इस घर की। सो दोस्तों ये था ग्राउंड फ्लोर, में दिखाती हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर। सो गाइज आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको फ्रंट में बालकनी मिली, फ्रंट यार्ड मिला, लाइक आपने कोई भी गमले वगैरह लेकर या कोई भी आपने ग्रीनरी वगैरह करनी हो आप वो कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्लास वर्क किया हुआ है, और दोस्तों मैं खास बात बता दूँ, इस घर का जो लाइटिंग वर्क है ना उस पे बिल्डर ने बहुत पैसा लगाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइटिंग वर्क लगा के दी आप देख सकते हो। और शाम का व्यू, ओह माय गॉड बहुत ही प्यारा शाम का व्यू दोस्तों आपको मिलने वाला, और फुली डेवलप्ड एरिया में दोस्तों आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से फर्स्ट फ्लोर, ये आपका मैच डोर आ गया और ये आपका मेन डोर आ गया दोस्तों। आइए ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है दोस्तों, इसमें जो कबोर्ड्स की डिजाइनिंग है वो थोड़ी हमने अलग कर दी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको वार्डरोब्स आपके मिल रहे हैं यहाँ पे। नीचे आपको शू रैक मिल रहा है दोस्तों, इस साइड आपका ड्रेसिंग एरिया स्पेस आ जाता है, और ये आ जाता है आपका हमने ग्लास लगा रखा और प्रॉपर ग्रिलिंग भी लगा रखी है, लाइक बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा मतलब आपको दिखेगा यहाँ से दोस्तों। यहाँ से बाहर निकलते ही बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे आपका मतलब फैमिली लॉन्ज एरिया लगा लो या फिर ड्रेसिंग स्पेस लगा लो, मतलब बहुत ही प्यारा आपको ड्राइंग एरिया यहाँ पे मिला विद योर एलईडी पैनल। फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको बहुत ही प्यारा मिल रहा है विद एलईडी लाइट्स। बिल्कुल सामने मेरे आपको एल शेप की मॉड्यूलर किचन मिल रही है दोस्तों, डबल बाउल सिंक मिल रही है, जैगुआर की फिटिंग्स यहाँ पे आपको दोस्तों मिले, ऊपर वाला जो पोर्शन आप एज ए रेंटल पर्पज भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं इसे। हाय आपको फोर्थ बेडरूम दिखा दो, अभी थोड़ा मैसी हो रखा बिकॉज अभी ये घर रेडी, और आप देख सकते हैं पेंट वगैरह अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाकी इसमें भी आपको फुल हाइटेड कबोर्ड्स मिल रहे हैं, एलईडी पैनल्स मिल रहे हैं, अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा 4 BHK का घर, अब मैं इसका ना आपको रूफ दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आइए मतलब बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है आपको बैक साइड, अभी एक्चुअली लाइटिंग नहीं यहाँ पे लगी हुई है, ऊपर जाने के लिए भी हमने प्रोविजन दिया हुआ, जैसे कल को आपने ऊपर बना लो तो आप ऊपर भी बना सकते हैं दोस्तों। ये आपका बैकयार्ड स्पेस आ जाता है, यहाँ पे भी हमने टैप वगैरह की प्रोविजन दी हुई है, अभी थोड़ा अंधेरा है तो आपको इजिली विजिबल नहीं होगा। सो दोस्तों बहुत अच्छी लोकेशन पे ये घर है, सेक्टर 124 में, और आसपास अमेनिटीज को मैंने आपको बताई, वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सारी डेली नीड्स की शॉप्स मिल जाएंगी, पूरा बसा हुआ एरिया है। अगर आपको ऐसे इन्वेंट्री अच्छी लगी या आपको ये घर अच्छा लगा तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।